जो कहते हैं कि इस देश के अंदर सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं। जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। जब धर्म का क्रांति करनी होती है, सड़कें भरनी होती है, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। जब तुम्हें गाली देनी होती है, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। क्या इस देश के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है और हम कहते हैं कि ये देश आजाद हो चुका है? क्या वो अब सारे नेता एकजुट होकर के इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या संसद में कोई बोलेगा? क्या विधानसभा में कोई बोलेगा? क्या जितने मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, क्या इस घटना के ऊपर कोई बोलेगा? क्या यहाँ पर इन लोगों को फांसी के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? जब देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बयान से नोटबंदी हो सकती है, तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? राजस्थान के जालौर में शिक्षक द्वारा 9 वर्ष के मासूम बच्चे इंद्र कुमार की हत्या की खबर सामने आने के बाद पूरे देश का बहुजन समाज सदमे में है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस संबंध में अपने विचार सोशल मीडिया पर लिखकर देश के जातवादी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज मैं सवाल करती हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जो कहते हैं कि देश आजाद हो गया है, जो कहते हैं कि देश के अंदर सब समान अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जो कहते हैं कि आरक्षण से कुछ दलित रोजी रोटी खाने लगे हैं, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं। जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। जब धर्म का क्रांति करनी होती है, सड़कें भरनी होती है, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। जब तुम्हें गाली देनी होती है, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। क्या इस देश के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है और हम कहते हैं कि ये देश आजाद हो चुका है? ये कैसा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? जब आपके ही भारत के अंदर एक राज्य में जालौर जनपद में एक ऐसी घटना हो जाती है कि 25 दिन तक FIR नहीं करवा पाते हैं घर वाले, बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि बच्चा घड़े से पानी निकाल लेता है। यहां घड़े की कीमत ज्यादा है और एक मासूम बच्चे की, इंसान की कीमत भी इतनी नहीं है कि आप उसको इतना मारे कि उस बच्चे के कान की नस फट गई और वह बच्चा 25 दिन के बाद मृत को प्राप्त हो गया। मैं सवाल करना चाहती हूं उन लोगों से जो इनसे वोट लेना चाहते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, क्या वो अब सारे नेता एकजुट होकर के इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या संसद में कोई बोलेगा? क्या विधानसभा में कोई बोलेगा? क्या जितने मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, क्या इस घटना के ऊपर कोई बोलेगा? क्या यहां पर इन लोगों को फांसी के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? जब देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बयान से नोटबंदी हो सकती है, तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों बयान नहीं दे रहे कि जातिबंदी होनी चाहिए? आप नोटबंदी का रात को 8 बजे बयान देते हैं और पूरे देश के अंदर नोटबंदी हो जाती है। यदि आप बयान देते हैं कि जातिबंदी होनी चाहिए और कल से कोई भी जाति के लिए अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है, जाति के भेदभाव से यदि किसी के साथ कोई एक्ट करता है, तो उसको फांसी की सजा होगी। क्या है हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री में जो आज झूठा दिखावा करने के लिए आजादी का अमृत? इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने लगातार एक के बाद एक 2 ट्वीट करके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा में प्राइवेट स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने पर सवर्ण जात के जातवादी सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कल उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा व भत्सना की जाए वह कम है। राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार वहां खासकर दलितों, आदिवासियों व उपेक्षित आदि के जान व इज्जत आबरू की सुरक्षा करने में नाकाम है। अतः इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।